राधे श्याम दोस्तों, अभी मैं हूँ उस मंदिर पर जो इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ उस समय खाटू श्याम मंदिर पर। और ये कहा जाता है कि जिसको कोई सहारा नहीं देता उसको बाबा खाटू श्याम सहारा देते हैं, और इसीलिए कहा भी जाता है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो चलिए आप भी मेरे साथ करिए बाबा खाटू श्याम मंदिर पर दर्शन। मैंने अपनी ये जर्नी जयपुर रेलवे स्टेशन से शुरू की। तो दोस्तों अभी मैं हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ से मैं खाटू श्याम मंदिर तक जाने के लिए ट्रेन की सहायता लूंगी। ये ट्रेन मुझे खाटू श्याम मंदिर के नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगर स्टेशन पर उतार देगी। उसके बाद 18 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम मंदिर स्थित है, तो मैं वहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए ये जर्नी। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर हिंदुओं का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो की राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यदि आप हवाई मार्ग द्वारा अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहुँचना होगा आपको जयपुर, और फिर जयपुर से आपको आना होगा रिंगस कस्बे तक। जयपुर से रिंगस स्टेशन तक आप बस या फिर किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। जयपुर से रिंगस की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है। मैंने अपनी ये यात्रा ट्रेन द्वारा की थी, और सबसे पहले मैं पहुंची थी रिंगस स्टेशन पर। यहाँ स्टेशन से बाहर आते ही आपको ऑटो, जीप व बसें खड़ी भी मिल जाएंगी, जो कि 20 से 30 रुपए के किराए में आपको श्री खाटू बाबा के मंदिर तक पहुँचा देती है। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है। जैसे ही आप मंदिर के निकट पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको एक भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा, जिस पर के जय श्री श्याम लिखा हुआ होता है। प्रवेश द्वार से आगे ही आपको प्रसाद की व बाबा श्री खाटू श्याम के झंडे की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मंदिर के मार्ग में जो दुकानें सजी हुई होती है उनकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक होती है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बाबा श्री खाटू श्याम को उनके रिश्तेदार व घर वाले बचपन में बर्बरीक नाम से पुकारते थे, जो कि उनके गुंगराले बालों के कारण रखा गया था। साथ ही बाबा को श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कहा जाता है कि घटोत्कच व उनके पुत्र बर्बरीक दोनों को उनकी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध में वो किसकी तरफ है, तब उन्होंने कहा कि जो भी पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे, तो उन्हें डर था कि कहीं ये पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। बर्बरीक को माँ दानी भी कहा जाता था। इसी का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंचे और उनसे दान मांगा, और बर्बरीक से दान में उन्होंने शीश मांग लिया। बर्बरीक ने भगवान की लीला समझ गया और उन्हें दान में शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका शीश युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। फिर मैंने खाटू बाबा के लिए गुलाब का फूल लिया। यहाँ मंदिर परिसर में अत्यधिक श्रद्धालु की भीड़ होने के कारण रेलिंग मार्ग बनाया गया है। आप भी इसी रेलिंग मार्ग द्वारा मुख्य मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मंदिर मार्ग में श्रद्धालु बाबा के जयकारे और भजन गाते हुए भी दिख जाते हैं, और यहाँ मुझे बाबा श्री खाटू श्याम जी की सुंदर छवि फूलों से सजी हुई दिखाई दी। मंदिर में दर्शन के बाद फिर मैं वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित श्री श्याम कुंड पर पहुंची। इसकी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी नहाता है तो उसके शरीर में कोई भी रोग, दोष, कष्ट वगैरह कुछ भी होते ऐसी कोई चीज नहीं रहती। यहाँ श्री खाटू श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, तो जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर करने लगी तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो मैंने देखा कि भक्त इतने प्रेम से जो श्याम बाबा के लिए जो गुलाब लाते हैं, पर श्याम बाबा तक पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड इन गुलाब को कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या था ये तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति से पूछने पर मुझे पता चलता है कि खाटू बाबा मंदिर में फूल ना ले जाने का रीजन ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाने के कारण भक्त दूर से श्याम बाबा पर गुलाब फेंकने लग जाते थे, उनके कांटे भक्तों के पैरों में लग जाते थे। तो श्याम भक्तों को इस पीड़ा से बचाने के लिए मंदिर में ये व्यवस्था की गई थी। कांटेदार गुलाब के फूलों को सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा मंदिर के बाहर ही कलेक्ट कर लिया जाता है।
आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ दर्शन करने में कुल खर्चा कितना आ सकता है। अगर आप जयपुर से आते हैं तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ तक खर्चा लगभग 100 रुपए, और यदि आप अपनी यात्रा दिल्ली या किसी अन्य शहर से कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में जो कुल मिनिमम खर्चा आएगा वो 700 रुपए। यदि आप रूम नॉन एसी लेते हैं तो 200 रुपए, वही आप एसी रूम लेते हैं तो यह लगभग 800 रुपए तक आएगा। साथ ही खाने का टोटल खर्चा 200 से 300 के बीच आ जाएगा। इस प्रकार आप कुल 1100 रुपए कम से कम और अधिक से अधिक 1800 रुपए में अपनी पूरी यात्रा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा खाटू श्याम की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी इस साल बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने का सोच रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जय श्री खाटू श्याम।